हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे हिस्ट्री में। हमारा चैप्टर का नाम है, दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। तो समय का ज़्यादा न देकर क्वेश्चन के पास आते हैं। आज हम जानेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स पुस्तक का नाम है क्या है? इसमें से ऑप्शन में से चुनना है कि मतलब क्या है, तो दास कैप्टन। तीसरा क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा सी लेनिन। चौथा क्वेश्चन है, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी दास कैप्टन। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में। राइट आंसर सी हो जाएगा, सातवां का। आठवां क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा 1867 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा टॉल्स्टॉय। दसवां क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, ग्यारह ब्रेस्ट लिटो बेस की संधि किन देशों के बीच हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा डी रूस और जर्मनी के बीच। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तेरह क्वेश्चन है कि समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डी कार्ल मार्क्स और एगस। चौदह क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1861 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का क्या अर्थ होता था? तो रूस का सम्राट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोलह क्वेश्चन है कि रॉबर्ट अवेम कहाँ का निवासी था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ब्रिटेन। अब हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया है और अगले वीडियो में मिलेंगे। ऐसे ही बेहतरीन तरीका से मेहनत करेंगे।